हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ग्राफ का चैप्टर हमारा चल रहा है। एक क्लास पाई चार्ट की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज हम बार ग्राफ का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। वही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको परसेंटेज, अनुपात और औसत इनकी आपको थोड़ी बेसिक सी भी जानकारी है, तब भी आप बड़े आराम से बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पाई चार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। उसी तरह से पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी से सवाल पूछे जाते हैं। कभी प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया जाता है, कभी औसत पूछ लिया जाता है, कभी अनुपात पूछ लिया जाता है। तो अगर इनकी बेसिक जानकारी आपको है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आज की क्लास में भी हम 4 क्वेश्चन को करेंगे और बार ग्राफ को समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार पहले हम ग्राफ को समझेंगे। तो जब भी आप ग्राफ के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप ग्राफ को समझ लें कि ग्राफ के अंदर आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है, तभी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाएंगे। तो ग्राफ को पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन से ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है, जो निर्देश लिखा है, उसको पढ़ें। तो वहां पर लिखा है कि एक कंपनी के आय का और कंपनी के खर्च का आपको विवरण दिया गया है, यानी उसकी आपको इस ग्राफ के अंदर डिटेल दी गई है। तो भाई कंपनी की जो आय है, जो कंपनी की इनकम है, वो आपको कैसे दिखाई गई है? तो वो आपको ब्लैक वाली शेड में दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर एक ब्लैक शेड है और दूसरी कैसी है? दूसरी ब्लू शेड है। तो ब्लू वाली यानी नीली वाली शेड से क्या दिखाया गया है? तो खर्चे को दिखाया गया है, यानी एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है। दो बातें क्लियर हो गई कि भाई ये जो हमारा ग्राफ है ये किसको लेकर बना हुआ है? कंपनी की आय और कंपनी के खर्च को लेकर। अब ये जो आय और खर्च है ये किसमें है? ये लाख में है, यानी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से आपको ये आय और खर्च दिया गया है। साथ ही आपको वर्ष दिए गए कि 1982 में कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ। इसी तरह से 1983, 1984 और ये 1986 तक आपको दिया गया है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको ग्राफ के अंदर अगर पता होगी तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है कि वर्ष 1983 और वर्ष 1984 में बचत का अंतर आपसे पूछा है। भाई ना तो आपसे आय पूछी, ना आपसे खर्च पूछा, आपसे क्या पूछा? आपसे बचत पूछा है कि इन 2 वर्षों में बचत में कितना अंतर है। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं कि ये बचत क्या है, बचत का पता आप कैसे लगाएंगे? तो भाई आय क्या होती है? आय का मतलब इनकम, जितना आप कमा के लाते हैं। और अगर आप जो आपका खर्च हुआ, अगर आप उसमें से उसको माइनस कर दें, भाई मान के चलिए कि आप 100 रुपये कमा के लाए और 100 रुपये में से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी बचत कितनी हुई? तो भाई आपकी बचत हुई 20 रुपये। यानी जो आपकी इनकम है उस इनकम में से अगर आप खर्च को माइनस कर देते हैं तो आपकी क्या बच के आ जाती है? तो आपकी बचत निकल के आ जाती है। ये क्या होता है? ये आपकी बचत होती है। यानी सिंपली आपको क्या करना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाती है? बचत निकल के आ जाती है। तो भाई आपको इनकम भी दी गई है, आपको खर्च भी दिया गया है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी? आपके पास बचत निकल के आएगी। और पूछा क्या गया है? वर्ष 1983 और 1984 में बचत का अंतर। तो भाई आप 1983 वाले वर्ष में जाइए तो ब्लैक वाली शेड किसको दिखा रही है? ये इनकम यानी आय को दिखा रही है। ब्लू वाली शेड किसको दिखा रही है? खर्च को दिखा रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, यानी यहां पर जो आपकी बचत है वो कितनी है? तो भाई यहां पर बचत है 20। तो ये आपके पास कहाँ की बचत आ गई? ये आपके पास 1983 की बचत आ गई। और आपको क्या बताना है, 1984 की बचत भी निकाल के लानी है। 1984 की बचत कितनी हो जाएगी? तो आप 40 में से 30 को घटा देंगे तो भाई ये कितनी आ जाएगी? ये 10 आ जाएगी। तो आपके पास 1983 की बचत भी आ गई, आपके पास 1984 की बचत भी आ गई। और इन दोनों का क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर पूछा है। तो आप 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। और भाई ये खाली 10 नहीं है, अगर आप करेक्ट आंसर निकालते हैं तो ये कितना है? ये 10 लाख है। क्योंकि
क्योंकि आपको जो वैल्यू दी गई है वो लाख में दी गई है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा कि दोनों वर्षों की जो बचत में अंतर है वो कितने का है, वो 10 लाख का अंतर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय, आय मतलब इनकम, दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन वर्षों की संख्या कितनी है, भाई हमें कितने वर्ष दिए गए, 1 2 3 4 5, हमें टोटल 5 वर्ष दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है कि ऐसे वर्ष हमें बता दो जिनमें जो आय है वो दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें औसत आय निकाल के लानी है कि इन सभी वर्षों की औसत आय कितनी है। तो भाई औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको केवल इनकम इनकम को उठाना है, केवल आय को उठाना है। तो यहाँ पर आय कितनी है, तो भाई यहाँ पर आय 30 है। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, भाई यहाँ पर कितनी है 30, यहाँ पर कितनी है 50, तो 50 और 30 कितने हो गए 80, यहाँ पर कितनी है 40, 80 और 40 कितने हो जाएंगे 120, यहाँ पर कितनी है 60, 120 और 60 कितने हो जाएंगे 180, 180 में आप 60 को जोड़ोगे तो कितने आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 240। यानी जो टोटल आपके पास आय है वो कितनी है, 240 है। हमें निकालना है इसका औसत, तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे 5 थे, 5 से हमने भाग कर दिया तो 5 और 20, 4 बचेंगे, 5 8 40। यानी जो औसत आय निकल के आई है वो कितनी आई है, वो 48 आई है। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कहा गया है उन वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक है। यानी वो वर्ष बता दो जिसमें वैल्यू 48 से ज्यादा हो। भाई ये औसत हमने निकाल ली, तो जहां पर वैल्यू 48 से ज्यादा हो, तो भाई यहाँ पर कितनी है 30 है, 48 से कम है, यहाँ पर कितनी है 50, तो एक तो ये वाला वर्ष हो गया, अगले वाले में कितनी है, यहाँ पर 40 है, ये भी नहीं लेंगे, इसमें कितनी है 60 है, कितने हो गए 2 वर्ष हो गए, इसमें कितनी है, इसमें भी 60 है, कितने वर्ष हो गए 3 वर्ष हो गए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन 3 ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर 3 होगा। भाई पहले आप औसत आय निकाल के ले आए, फिर आपने कंपैरिजन कर ली कि वो कितने वर्षों में जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है सभी वर्षों को मिलाकर, कि अगर हम इन सभी वर्षों को मिला दें तो औसत आय, तो भाई औसत आय तो अभी हम निकाल के लाए हैं, वो हमारे पास कितनी आई है 48 आई है। और हमसे क्या कहा गया है, औसत बचत, औसत बचत और निकाल के लानी है, और दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो भाई अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर केवल दूसरे ऑप्शन के अंदर ही क्या है 48 है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर स्पेशली ग्राफ वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपने औसत आय अभी निकाली है और वो कितनी आई है, वो 48 आई है। अब अगला क्वेश्चन भी औसत आय से रिलेटेड पूछा, औसत आय और औसत बचत का अनुपात पूछा है, जबकि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन के अंदर क्या है 48 है। तो आप आंसर दे सकते हैं क्या कि बी हमारा आंसर है, लेकिन हम एक बार औसत बचत को निकाल के लाते हैं कि औसत बचत कितनी आती है, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए भाई बचत की बात की गई है, ये आपकी आय है, ये आपका खर्च है, तो पहले आप बचत निकाल के लाएंगे, 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10, 50 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 20, 40 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 10, 60 में से 40 आप घटाओगे कितना बचेगा 20, 60 में से आप 35 घटाओगे तो कितना बचेगा 25। भाई इनको आप कैलकुलेट कर लो, प्लस कर लो, उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले आप एक बार जोड़ लीजिए, 20 और 10 30, 40 60 और 25 कितने हो जाएंगे 85, 85 को आप 5 से भाग कर लो तो भाई कितना आ रहा है 17 ही आ रहा है। और मैंने आपसे क्या बताया था कि बी ऑप्शन, क्योंकि पहले से ही केवल एक ऑप्शन के अंदर 48 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 48:17। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जहां आप बिना सॉल्यूशन किए ही उनके आंसर दे सकते हैं, और स्पेशली ऐसा ग्राफ वाले क्वेश्चन में होता ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 की बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताना है।
भाई 82 में कितने प्रतिशत की कितने की बचत हुई है पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए। तो भाई अभी आप निकाल के लाए कितने की बचत हुई, 10 की बचत हुई। भाई ये सब लाख में चल रहा है, 30 लाख और 20 लाख, तो कितने की बचत हुई है, 10 लाख की बचत हुई है। जबकि 1986 में कितनी बचत हुई है, तो 60 इनकम है, 35 हमारा खर्च है, तो अभी आप निकाल के भी लाए हैं तो कितने की बचत हुई है, तो भाई 25 की बचत हुई है। ठीक है, आपसे पूछा गया वृद्धि, तो 10 से और कितना हो रहा है भाई, 25 हो रहा है, तो परसेंटेज वृद्धि का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो भाई आप कहेंगे कितना होगा, 10 से 25 हुआ तो कितना बढ़ गया, 15। कहां से बढ़ा, 10 से। मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 150%। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आपका पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप कि ये सारे चार के चार क्वेश्चन आपको ग्राफ के समझ में आए हों, तो बड़ा ही आसान है, आप इनको बड़े इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके बुक में जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, सिंगल ग्राफ वाले भी होते हैं, डबल ग्राफ वाले भी होते हैं, तो उनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और वो अच्छे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कर पाएं। तो अगली क्लास में लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।